हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने दे भी दिया है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम से परेशान मत होइए, ठीक। जो चल रहा है वो उसको होने दीजिए, टफ़ और इजी के चक्कर में ना परेशान होइए। देखिए, जो आपने पढ़ा है डेफिनेटली मानिए कि उसी में से आएगा। होता क्या है कभी कभी कि आपने जो बहुत समय पहले पढ़ा है पता चला वही आ जाता है, तो एग्ज़ाम के चक्कर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पेपर छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए कि पेपर का लेवल का क्या टफ होगा या मतलब कैसा आएगा, तो इसके चक्कर में ना परेशान होइए। आपने जो पढ़ा है आप 100% मानिए कि आपने सही पढ़ा है और वो आपके एग्ज़ाम में आएगा भी, ठीक है। वहाँ पे जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, पेपर ऐसा बनाया जाता है कि 45% आपको पढ़ाया मिले, ठीक है, उसके बाद जो बनता है पेपर वो थोड़ा सा एवरेज आ जाता है, फिर उसके बाद टफेस्ट होता है। तो इतना मोटा मोटी मान लीजिए कि आपको आपका जो क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, जो इतना आपने पढ़ा है वो 60 से 65 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, 65 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। बस होता क्या है, जो बढ़ाना है हमें 10 नंबर और, यानी कि 75 और 76 से ऊपर जाएगी नहीं मेरे, ठीक है। 80-82 के टेंशन में मत दीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़रूर है, वनडे एग्ज़ाम है, लेकिन 80-85 के चक्कर में ना परेशान होइए। जो ज़्यादा ज़्यादा मेरिट जाएगी वो 77 या 78 के बीच में वैरी करेगा, हो जाएगा, काफ़ी लोग का होगा, ठीक है। इसके बाद मेडिकल भी फिजिकल भी है, तो 77-78 तक का आपका क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए, 65 नंबर आपके आ जाएंगे, जो 10-12 नंबर आपको बढ़ाने हैं वो एक्यूरेसी प्लस बहुत समझदारी से पेपर को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, कि क्या मेरे पेपर मेरे से जो मतलब पेपर में क्या कुछ अलग तो नहीं पूछेगा, तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आ रहा है उसको पहले कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसको बाद में करिए। जल्दी से जल्दी पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उस चक्कर में गलत करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो ये था ग्रुप।